This story is brought to you by tapeatale.com. तो मेरा नाम है नायाब और इस नाम के आगे पीछे ना बहुत कंफ्यूजन रहता है. किसी को लगता है कि मेरा पेन नेम है, किसी को लगता है कि मेरा सर नेम मिधा मेरा नेम है. मिधा इज अगेन नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट. फिर भी मेरे नाम की कहानी उस जमाने से आती है जब हमारे मम्मी पापा को लगता है कि एवरीथिंग वॉज राइट एंड द टीवी माई डियर वॉज ब्लैक एंड वाइट. उसी ब्लैक एंड वाइट टीवी पे ना मेरे पापा को एक एक्ट्रेस बहुत पसंद थी. उस एक्ट्रेस और उस सीरियल का नाम था नायाब. उन्होंने तब 14-15 साल की उम्र में तय कर लिया कि अगर कोई मेरी बेटी होगी तो उसका नाम होगा नायाब. उस टीवी वाली नायाब मैडम ना उस समय जिस सीरियल में काम कर रही थी वो सीरियल था दहेज प्रथा के ऊपर. वो दहेज प्रथा के अगेंस्ट झगड़ रही थी. तो इन शॉर्ट वो काफी रिबेल थी. पापा ने सिर्फ नाम मैनिफेस्ट किया था, कैरेक्टर भगवान ने एड ऑन दे दिया. ड्रामा तो होना ही था. एक छोटा शहर, एक स्ट्रिक्ट पिताजी और एक रिबेल बेटी. हमारी हर बात ना अक्सर लड़ाई में एंड होती थी. ना उन्हें मेरी ख्वाहिशें समझ आती थी, ना मुझे उनके तौर तरीके. इनफैक्ट पापा इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि हम तो क्या, हमारी गली के भी सारे बच्चे उनसे डरते थे. ये फ्लेक्स है मेरा, देख रहे हो मेरे बचपन के हालात. इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि उनकी बाइक की आवाज़ ना शाम को एक गली दूर से हमें आ जाती थी और जितनी देर वहाँ से ऊपर वाले फ्लोर तक पहुँचने में लगती थी उतनी देर में टीवी बंद हो जाता था, किताबें खुल जाती थी, कमरा साफ, फेसबुक लॉग आउट, हिस्ट्री डिलीट, सारे फालतू लाइट और पंखे बंद. और जिस ग्लास में पापा को पानी देना है ना वो ग्लास एकदम चटक साफ, वरना कल किसी और हाउस हेल्प की नौकरी चली जाएगी. और मैं तो छुपके से ना अपना नोकिया 1100 भी स्विच ऑफ करके अलमारी में रख देती थी, ना दिखेगा ना झगड़ा होगा. इन शॉर्ट हमारी पापा से फटती थी. पापा जब ये वीडियो देखेंगे तो पक्का कहेंगे कि फटती है क्या होता है. मैं बताती हूँ पापा फटती है क्या होता है. फटती है ये होता है कि जब मम्मी रोज सुबह हमें स्कूल के लिए उठाने में नाकाम हो जाती थी, पापा आकर बस इतना ही कहते थे, 3 तक गिनूंगा. 1, 2, क्या 3 तक हम कभी पहुंचे ही नहीं. 2 पे ब्रश कर रहे होते थे हम लोग. अब कभी कभी लगता है कि क्या पता हम 3 तक पहुंच जाते, क्या पता पापा 3 के बाद प्यार ही करते हो. कभी टेस्ट ही नहीं किया. खैर, वी हैड नथिंग ऑन हिम. हम पापा को कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि पापा ना परफेक्शनिस्ट हैं. सुबह बिना अलार्म लगाए जल्दी उठ जाते हैं, उठ के 2 घंटे प्राणायाम करते हैं और चाय तो बिल्कुल नहीं पीते. चाय किसके पापा नहीं पीते यार. मुझे लगता है चाय ना पीने से ना दिल पर गहरा असर पड़ता है. इसीलिए कितना भी रोना आ रहा हो रोते नहीं हैं. मैथ से लेकर बायोलॉजी तक सब आता है उन्हें. फिर भी बीमार हो जाओ तो पैम्पर करने से ज्यादा जरूरी समझते हैं ये बताना कि इस वक्त शरीर कीटाणुओं से कैसे लड़ रहा है. जनरली दूसरों के माँ बाप दूसरों के बच्चों से आपको कंपेयर करके नीचा दिखाते हैं ताकि आपको मोटिवेट कर सके. वियर्ड लॉजिक, मगर हमारे तो घर में इतना कॉम्पिटिशन है यार. मतलब पापा बैंकर हैं, SBI में. बाकी बैंकर्स की तरह लंच है, बाद में आना करके लोगों को तंग करो ना. मगर नहीं, पापा को कोडिंग आती है, सॉफ्टवेयर्स बनाना जानते हैं, कविताएं लिखते हैं. 20 साल की उम्र में टीचर बन गए थे और 40 साल की उम्र में वापस से स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए. हर वीकेंड 400 किलोमीटर रोडवेज की बस से सफ़र करके दिल्ली आते थे और उन्होंने सिर्फ कोर्स ही नहीं किया है 3 साल, कोर्स में टॉप भी किया है. यानी कि सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हैं. घर की पानी की मोटर से लेकर पंखों तक सब खुद ठीक करते हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ ना अपने हिसाब से चाहिए. इन शॉर्ट, परफेक्शनिस्ट. यहाँ मैं स्कूल और को करिकुलर एक्टिविटीज बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ. पापा 4 से 5 लोगों के हिस्से का काम सीख कर बैठे हैं. दिनों दिन स्ट्रिक्टनेस और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और मेरे टीनेजर ब्रेन को समझ आ गया है कि इस आदमी से तो नहीं जमने वाली है. तो मैं 12वीं पूरे होते ही सबको और खुद को IITian बनने का सपना दिखाकर कोटा निकल ली. पापा वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट इट. इनफैक्ट मैं उनसे झगड़ कर कोटा गई थी. वो तो मुझे छोड़ने भी नहीं आने वाले थे.
फिर पता नहीं क्यों ट्रेन शुरू होने से 10 मिनट पहले ट्रेन पर आकर बैठ गए। कोटा पहुंचने के 10 दिन के अंदर अंदर मुझे समझ आ गया कि जिस दुनिया के लिए पापा हमें तैयार कर रहे थे वो दुनिया पापा के अवेलेबल डेटा से काफी ज्यादा कठिन है। 1 महीना स्ट्रगल करने के बाद मैंने घर पे मम्मी को फोन कर दिया और बोला, डांटना मत बट प्लीज मुझे ले जाओ यहां से, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। पापा को कोई बहाना बना देना। 17 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद जब मम्मी पापा मेरे पास पहुंचते हैं और मेरे कमरे का हालात देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उस वक्त मेरे कमरा और दिल्ली के कचरे के बाहर को अगर कंपेयर करते ना तो मेरा कमरा ज्यादा गंदा था। मम्मी एक एक करके चीजें सेट करती है और पापा मुझसे सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आ रहा, टीचर को कंप्लेंट करते हैं, क्या कुछ हो सकता है। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे घर जाना है। पापा कहते हैं ठीक है, अगली टिकट 2 दिन बाद की है, फिर चलेंगे। कोटा जाना मेरी पहली और आखिरी जिद थी जो मेरे पापा ने पूरी की। मेरे लाख जिद करने पर भी वो मुझे घर नहीं लेके गए। और उस दिन के बाद शायद मैंने कभी कोई जिद नहीं की। उस दिन ना पापा ने मेरे एक बड़े से रजिस्टर से एक पिन पेज निकाला, बड़े नीटली उसे 2 हिस्सों में बांटा और उस पर लिखा, कमरा व्यवस्थित नहीं है जिंदगी कैसे होगी। ये पन्ना और ये लफ्ज ना उस दिन से मेरे दिमाग में एज इट इज छपे हुए हैं। कभी भी कुछ भी बहुत मेसी होता है ना तो मैं सब कुछ छोड़ करके पॉज करके कुछ गाने चलाती हूँ, घर का कोई कोना, कमरे का कोई हिस्सा या कुछ भी चीज साफ करने लगती हूँ। जैसे जैसे एक एक चीज साफ होकर अपनी जगह पर पहुंचती है मेरी एंग्जाइटी कम होने लगती है। दिमाग की सारे उलझे हुए धागे ना सुलझने लगते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही ना इन चीजों की तरह जिंदगी का भी ना हर पल सेट होकर एक जगह पर बैठ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। और सब ठीक हो भी जाता है। मुझे ना हमेशा लगता था कि पापा के तौर तरीके एकदम गलत हैं। एक छोटे शहर के इतने ऑर्थोडॉक्स आदमी मेरा स्टाइल कहाँ समझेंगे। कितनी गलत थी मैं, क्योंकि पापा ने ना मेरे और मेरे भाई को बराबर पीटा है। हमें हर चीज ना हर वक्त सही समय पर मिली है बराबरी से। अगर मुझे शॉर्ट्स पहनना अलाउड नहीं था तो कभी उसको भी निक्कर नहीं दिलाई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि पापा परफेक्शनिस्ट ही नहीं फेमिनिस्ट भी हैं। आखिर फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी तो होता है। पापा ना बस इतना चाहते थे कि हम कभी उनकी की हुई गलतियां ना दोहराएं। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने कभी हमें नई गलतियां करने से डांटा नहीं। और इससे बड़ी आजादी क्या होगी यार, नई गलतियां करने की आजादी। आई डिड नॉट गेट इन टू IIT एज यू कैन सी। फिर भी ना लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना मुझे कभी भी एक ताना या थोड़ी सी डांट भी नहीं पड़ी। एक वक्त के बाद पापा ने हमें आजाद छोड़ दिया अपनी गलतियों से खुद सीखने के लिए। मुझे ना हमेशा लगता था कि पापा बहुत गलत हैं, पर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि हमें सिर्फ पाला नहीं गया, हमारी परवरिश हुई है। मैं हर लड़की की तरह हमेशा सोचती थी कि मुझे सारी सोशली अनकन्वेंशनल चीज़ें ना पापा से छुप कर करनी पड़ेंगी। पर 3 साल पहले जब मैंने पापा को फ़ोन किया और कहा कि मुझे अपनी काफ़ी स्टेबल नौकरी छोड़ करके कविताओं और कहानियों से अपना घर चलाना है, तो पापा ने कहा जिस महीने पैसे कम पड़े सैलरी मैं भेज दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पापा को बहुत झगड़ के फोन किया कि मैं सबको प्लीज कर करके थक चुकी हूँ, मैं सबसे परमिशन नहीं मांग सकती, आई कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, मुझे दुनिया घूमनी है, आई कांट कीप वेटिंग टू गेट मैरिड और यू नो जस्ट बी देयर हाउ सोसाइटी एक्सेप्टेड्स, मुझे घूमने जाना है दोस्तों के साथ अकेले, मुझे परमिशन नहीं मांगनी है। तो पापा ने कहा कि अगली बार टिकट बुक करवा कर फोन करना। पैसे कम पड़े तो मांग लेना। मैं ना पूरे बचपन में सोचती थी कि मुझे पापा जैसा नहीं बनना, पर आज सबसे ज्यादा फक्र मुझे इसी बात का है
कि मैं बहुत ज्यादा पापा जैसी हूं। एक फर्क है बस, मैं बहुत ज्यादा रोती हूं और पापा ने नया नया शुरू किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।